यह डीडीए की कार्रवाई है, कई लोगों की दुकानों को उजाड़ देना। जी हाँ, बीएससीएस और डीडीए को ऐसी जरूरत वाली चीजों पर कार्रवाई करने में बड़ा मजा आता है। वैसे इनको जब कोई जायज मांग करता है, भले ही अदालत से आदेश लेकर आए, ये किसी की कोई नहीं सुनते, करते अपने मन की हैं। जब इनका दिल करता है, इनकी जेब भरती है, तो सब जायज वरना ना जायज। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। साथी मयंक शर्मा ने डीडीए के द्वारा की गई इस कार्रवाई का एक वीडियो भेजा है। आप लोगों की बातों को सुनिए, उनको समझिए। हम इस कार्रवाई का समर्थन या विरोध नहीं करते, लेकिन लोगों की बात माननीय अदालत तक और डीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकारें शांत हैं, ना जाने। नमस्कार, मैं मयंक शर्मा, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली। स्पोर्ट्स काउंसिल अपोलो के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे कुछ शॉप्स थी जिनको बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। डीडीए ऑफिसरों ने यहाँ पे आके बिना नोटिस के, माना कि ये कानूनी कार्रवाई है, बट कम से कम इनको ना नोटिस दिया गया, ना कोई इनको कोई कांटेक्ट किया गया। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए और डीडीए ऑफिसर आए और यहाँ पे बिना कुछ कहे तोड़फोड़ की गई, लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी लोगों को लाठियों से मार के बाहर निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है और सफाई भी हो जाएगी। ये पूरा एरिया, सारी दुकानें यहाँ पे, कल तक यहाँ पे पूरी रौनक लगी रहती थी यहाँ पे, आज 38 दुकानें थी, 38 शॉप थी यहाँ पे, जो कि आज मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पे लोग आज रो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन गई है। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इन्होंने अपना रोजगार जो शुरू किया था, आज इनके पास ना मात्रे कुछ भी नहीं, शॉप्स कुछ शॉप्स नहीं है। यहाँ पे लोग रो रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उनकी आप भी। क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण, और आगे आ जाइए। और ये हमारी मतलब पिताजी की लैंड है, जो आपकी दुकान नंबर बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं लैंड ओनर का बेटा हूँ। ओके, तो यहाँ 38 दुकानें थी और अंदर लगभग 250-300 ड्राइवर जो कि इलेक्ट्रिक कारें चलाते थे, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। फोर्स आई और आप जो कह रहे हो पुलिस वाले, नहीं, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी आई है, बॉम्ब स्फोट आया है। हमारे पास सारी वीडियो है, भयंकर तरीके से लोग आए हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होना है या क्या होना है, और चारों तरफ से छावनी बना दिया गया और इस तरीके से तोड़ा गया कि सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया, लोगों का सामान बर्बाद हो गया। ये गरीब लोग जैसे तैसे करके अपनी दुकानें सजा के बैठे थे, उनका परिवार चल रहा था, और ये ज़मीन हम कोर्ट से भी जीते हुए हैं और एक तरफ ये एक्वायर भी नहीं है। मेरे पास पेपर है जो कि म्यूटेशन की है। ये कौन सा पेपर आपका? ये म्यूटेशन है, हमारी खतौनी पिताजी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा कवर है, ये कवर है, और हमने अभी दिसंबर में 7,91,000 रुपए ये हाउस टैक्स भी जमा किया है अपनी जमीन का, क्योंकि सरकार से इस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ 7 लाख का आपने हाउस टैक्स, 8 लाख के करीब का हाउस टैक्स डिपॉजिट किया है हमने। और हमारे पास इसके लैप्स के भी ऑर्डर हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है वो भी अगर आप देखोगे तो उस पर कोई अभी फैसला नहीं आया है। यानी कि किसी भी कारण से यहाँ पे डेमोलिशन बनती ही नहीं थी, बनती भी थी तो हमें एक छोटा सा इंटीमेशन, कुछ घंटों का भी समय दिया होता, नहीं, ना कोई नोटिस ना समय, बस आए छावनी बनाई, डंडे घुमाए ऑन द स्पॉट और शुरू कर दिया जी प्रोग्राम इन्होंने सारा। अब आपके सामने पूरे का पूरा तोड़ के ख़त्म कर दिया, जबकि मेरी लैंड प्राइवेट लैंड है, ना कि ये गवर्नमेंट लैंड है। तो हम लोग गए हैं, मतलब आगे भी इनके खिलाफ़ इनको डांट भी ऊपर से पड़ी है अभी हाई कोर्ट में, लेकिन प्रशासन है जी सुनता नहीं है, अंधा है, कोई कागज़ भी नहीं दिखाए। कल भी मीडिया वाले आए थे और लोग, तो हमने मीडिया वालों के सामने उनसे, डीडीए वाले अफसर से, मेरे पिताजी ने बोला कि भाई कुछ पेपर हो तो दिखा दीजिए, हम चले जाते हैं। तो कुछ नहीं जी, वहाँ जाना, ऊपर जाना, इधर जाना, कोई पेपर पुलिस के पास नहीं था, कोई पेपर प्रशासन के पास नहीं, डीडीए के पास नहीं, बस शुरू कर दिया धड़ाम से। आज सारे लोग बेरोजगार हैं, दुकानदार लोग हैं, गरीब लोग चाय पानी का काम करते थे, अब इनको यहाँ खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, जब हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, ज़मीन हमारी एक्वायर भी नहीं थी, फिर भी हमने लैप्स करा ली, हमने टेक्निकली सारे पॉइंट्स क्रैक किए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आया। ऑर्डर 23 तारीख को अपलोड हुआ था मैडम का, स्टे वैकेट का, तो स्टे वैकेट का मतलब तो वहाँ बनता है जहाँ पर कोई ज़मीन का झगड़ा हो, यहाँ तो ज़मीन का झगड़ा ही नहीं था, यहाँ तो ज़मीन प्राइवेट थी, उसके बावजूद भी तोड़ दिया। ये तो दुश्मनी है, ऊपर किसी की साजिश है ये बहुत बड़ी। ये है जो लैंड के ऑनर है, उनकी बातें, जो इन्होंने अपनी बातें आगे रखी। अब यहाँ पे शॉप्स की
शॉपकीपर से जो उनसे बात करते हैं उनको कितना कितना नुकसान हुआ है और वो क्या चाहते हैं सरकार से। आपकी शॉप का नंबर क्या है? शॉप नंबर 3। शॉप नंबर 3, नाम क्या आपका? मेरा नाम है जावेद। अच्छा, तो आपको भी कोई नोटिस नहीं आया? जी कोई नोटिस नहीं आया। मैंने यहाँ लोगों से, यहाँ जो अधिकारी आए थे उनसे ये कहा कि जी 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दो, लेकिन उन लोगों ने टाइम नहीं दिया। ये देखिए साहब, सारा टीवी सब मेरा तोड़ गए, सब बर्बाद करके रख गए, सब ले गए उठा के। किस चीज़ की शॉप थी आपकी? मेरी जी प्रॉपर्टी की शॉप खोली थी मैंने, अभी 6 महीने हो गए जी खोले। अच्छा, तो कौन से डीडी ऑफिसर का नाम पता है? नाम जी, अरे नाम बताने को राजी नहीं है कोई, वो तो ये बताने को ही राजी नहीं है कि करना क्या चाहते हैं। ऑन दी स्पॉट आके एकदम अटैक उन्होंने शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम कहते रह गए, हाथ पैर जोड़ते रह गए कि जी 10 मिनट का टाइम दे दो जी, 15 मिनट का, हम अपना सामान को निकाल लें। भाई जी मेरा तो कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है, जो मैंने दुकान बनाई, जो मेरा टीवी था, मेरा पानी का वो था, यहाँ लोग बाग बैठते थे आगे, सबका ही नुकसान है। मेरा ही क्या, सारे दुकानदारों का नुकसान है, और छोटा मोटा नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान है। हर आदमी हाथ पैर जोड़ता रहा उनके, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, एक नाम बताने को राजी नहीं था कोई भी अपना, कि जी मेरा ये नाम है, हमारे पास ये नोटिस है। नहीं दिया गया कि आप सामान बाहर निकालो। अजी 5 मिनट का टाइम नहीं दिया गया, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। बस आए हम लोग, आने के बाद देखते हैं सीधा फोर्स आई, और फोर्स आने के बाद सीधा तोड़ उतारे शुरू कर दी, ना सामान निकालने दिया, ना ताले तक खोलने नहीं दिए। मैं तो आके खड़ा ही हुआ उस टाइम का, सारे के सारे खड़े के खड़े रह गए, सामान निकालने तक की मदद। 12 से 15 लाख रुपए का फ्लैट नुकसान है। मेरे पीछे ये 250 लोगों के जो ड्राइवर, जिसमें जी जो टाटा वालों का ये था बैटरी का एक्स्ट्रा काम, 250 लोग ड्राइवर यहाँ थे, वो ऑल ओवर मिला के 400 से 450 लोग इफेक्ट हुए। आपकी दुकान नंबर क्या था? 9 नंबर दुकान। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दीदी। आपको भी कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, ऑन द स्पॉट है। ऑन द स्पॉट दुकान खुलने का टाइम हुआ था, आए दुकान पे देखा, बुलडोजर आ के लगा दिया। अच्छा, जैसी भी मशीन आई थी, जैसी भी। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान कर 3-4 लाख रुपए का सामान था। खाने पीने की फास्ट फूड की दुकान थी, उसमें डीप फ्रिज थे बड़े बड़े, सामान निकालने का मौका, कोई मौका नहीं दिया, कच्चे माल थे, आए लूटने थे वो सामान। आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? नवाब मलिक। मेरी कबाड़ी की दुकान। दुकान नंबर 35। अच्छा, वो इस तरह आए जैसे हमें लूटने आए हो, पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम तोड़ ताड़ने के बाद में, मतलब उन्होंने भरा भी है जेसीबी से, और वो कम से कम 10 ट्रक हमारे माल का भर के ले गए यहाँ से। अच्छा, पूरी दुकान में से सामान भी भर के ले गए। सामान भी भर के आए, तो आए दुकान पे, तो ऑन द स्पॉट उन्होंने अटैक किया। उसका सामान है वो भी ले गए, उसको भी भर के ले गए वो। अच्छा, गाड़ियों में हमारे सामने हम मना कर रहे हैं, पुलिस लड़ रही है। उन्होंने जो दुकान का लोहा था सब तोड़ लिया, मेरी दुकान में तो स्टन लोहा लगा था पीछे, उसको उन्होंने जेसीबी से भी उसको भी भर लिया, और वो सभी ले गए भर के। सामान था सब ले गए। मना करने के बाद में जब भाई साहब लास्ट में आए, जब उसको पकड़ा वो भाग गए। अच्छा, जैसी भी गलत थी, ये सब मतलब गलत लेवल से आए, कोई वो नहीं था, और बस ये लूटने ही आए थे। अब क्या चाहते हो आप हमारी सरकार? हमारी दुकान वापस बने, हमारा मुआवजा दिया जाए, हमें पैसे दिए जाए जो हमारा नुकसान हुआ है, ये सारी दुकानों का। हम बेरोजगार हो गए यहाँ पे, बेकार पड़े हैं रोड पे, हमारा सामान दबा पड़ा है यहाँ पे, हमारा लाखों रुपए का सामान दबा पड़ा है सबका, कैसे होगा बताओ। आंखों से आंसू निकल के इनके बात करते करते, और मुझे भी काफी फील हो रहा है। आए तो आए, अटैक तो किया इनकी शॉप पे, पर आके सामान भी भर के गए हैं। इनको ना मौका दिया कि सामान निकाल के बाहर रखने का मौका तक नहीं दिया गया इनको, ऑन द स्पॉट आके अटैक किया गया। आपका नाम क्या? कौन सी दुकान थी आपकी? 2425। किस चीज़ की दुकान थी? मोटर पार्ट की दुकान थी। अच्छा, तो आपको भी कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया गया, जितना सामान था सब भर भर के लेके चला। अब आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से मुआवजा चाहता हूँ, और जिन्होंने ये करा उनकी उनको सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपका नाम क्या? भाई मेरा नाम परवेज है। अच्छा, आपकी किस चीज़ की शॉप? पानी की शॉप। क्या नाम बताओ दुकान का? गाड़ी का।
आपको भी कोई नोटिस मुझे तो बाद में फोन आया कि यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है, तो पता ही नहीं होता है। यहाँ पर मुझे कुछ ताला भी नहीं मिला भाई साहब, ताला भी नहीं मिला जी। एक डेढ़ लाख के तो फ्रिज थे मेरे पास, वो भी गायब, सब खत्म, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी तो बेकार हो गया, लोगों से उधार ले तो काम शुरू किया था मैंने, मैं आज तक पैसे दूंगा सबके। क्या चाहते हो आप भाई? मुझे तो अपने पैसे चाहिए वापस, मेरी दुकान चाहिए, अपनी रोजगार चाहिए भाई। जब तक हम लोग बेरोजगार थे, लॉकडाउन था पूरा, सब कुछ था, उसके बाद फिर सारा कोरोना चल गया, आज बिल्कुल बेकार पड़ा, बिल्कुल काम धंधे से बेकार है, फैमिली कैसे चलाएगा, बिल्कुल बेकार पड़ा। जब काम स्टार्ट किया सब बर्बाद हो गया, फिर दोबारा से कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। कल जो आदमी आपको तोड़ रहा है, उनसे नोटिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बिल्कुल बेकार हो गया है। ये देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे जो लोगों का नुकसान हुआ है, कल तक जिन लोगों ने कल तक रात को 11-10-11 बजे तक यहाँ पे रौनक लगी रहती थी, आज वहाँ पे कबाड़ पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, वहाँ से लेकर उस साइड तक, वो मैक्स की बैक साइड तक पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे। लोगों का ये कहना है कि ऑन द स्पॉट आके उन्होंने अटैक तो किया शॉप पे, बट आके अटैक के बावजूद उन्होंने यहाँ पे लोगों का जो सामान पड़ा था, फ्रीजर, टीवी वगैरह, जो भी सामान वगैरह पड़ा था वो भी उठा के ले गए। जनता ये चाहती है कि इंसाफ चाहती है। आप आ जाइए आगे, क्या नाम है आपका सर? शाहुल। आपकी दुकान नंबर बताइए, क्या काम था? अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया आपका? आपको भी कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई ऑन द स्पॉट आके आपकी दुकान तक खुली हुई थी? अच्छा, दुकान में सामान निकालने का टाइम कुछ भी निकालने नहीं दिया, कुछ भी नहीं निकालने। क्या चाहते हो आप जनता से? चाहते हैं कि हमारा मुआवजा दे, पैसे हमारे लगे तो उसमें वो लगे और दोबारा से हमें दुकान ले जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, बीट ऑफिसर का, बीट ऑफिसर कौन आए थे यहाँ पे? नाम तो जी पता नहीं है, वो तो कोई भी बात करने को यहाँ राजी नहीं था। अगर उनसे बात करने भी जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, हम पहले ही डंडा चला रहे थे वो। अच्छा, तो उनसे हम बात ही क्या करते? मतलब बीट ऑफिसर का नाम नहीं बताते ना, किसी ने कोई बताने को राजी नहीं था। सबसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पास कोई आदेश है? हमारे पास आप हमें टाइम तो दे सकते हैं, 5-10 मिनट का टाइम तो दे सकते हैं भाई साहब। कोई भी सुनने को राजी नहीं था, वो तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बदमाशी करने आए हैं, बस तोड़ो फोड़ो, ये उठाओ वो उठाओ, यहाँ से उठाओ वो खचीटो, ये कर रहे थे वो। अरे भाई साहब, हमने तो अपना काम जो किया था शुरू, पैसा उधार ले लेके था, लोगों कर्जा देना है हमें तो वापस, हम काम यहाँ से कमाते तब पैसा, हमने काम जमाया है, काम जमा भी नहीं था, काम तो अभी ढंग से काम तो भी शुरू किया था, हम क्या करें? मनोज अपना बता, लॉकडाउन के बाद भाई साहब काम को शुरू करने के लिए खड़ा होने का कोशिश कर रहा था। यही है अपना आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रेडी वाले को 10,000 रुपया दे करके इनको विस्थापित करो कि ताकि अपना परिवार चला सके, हमारा एक अच्छा खासा दुकान तोड़ करके हमें रोड पे कर दिया। ये आत्मनिर्भर भारत है अपने देश का, और ये है हमारे पुलिस वाले जो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ये हमारे अधिकारी हैं जो रोड पर ला रहे हैं। यहाँ के जो लैंड ओनर है विदुरी जी, उनका कहना कि उन्होंने पूरा टैक्स भरा हुआ है, यहाँ पे पूरे कागज उनके पास पड़े हैं, उनके जो पूर्वज हैं उनकी ये जो ज़मीन है उन्हीं की लैंड है। विदुरी जी का ये कहना है कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो टैक्स है, ये 7 लाख कुछ का जो टैक्स है वो डिपॉजिट किया, 8 लाख के करीब इन्होंने टैक्स जमा किया, हाउस टैक्स जमा किया, उसके बावजूद ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ कॉन्टैक्ट किया गया विदुरी जी से, आते साथ ही ऑन द स्पॉट अटैक किया गया और यहाँ पे सारी शॉप को मलबे में तब्दील कर दिया गया। दूसरा, यहाँ पे जो दुकान वाले थे उनकी दुकान का जो सामान है, जो मटेरियल है, वो भी गाड़ियों में लाद के ले जाया गया। जब इन्होंने पूछा कि हमें कोई नोटिस बताइए या आपका नाम बताइए, हमें कुछ तो बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इन पे लाठीचार्ज किया गया। ये इन सर का कहना कि इन पे लाठी वगैरह बरसाई गई, काफ़ी गुंडागर्दी की गई, एमसीबी वालों ने काफ़ी गुंडागर्दी की, और यहाँ पे डीडीए वालों ने काफ़ी गुंडागर्दी की, और साथ में जो बीट ऑफिसर वगैरह आए थे उन्होंने भी इनकी कोई पैरवी नहीं की, कुछ बात नहीं सुनी, ऑन द स्पॉट आके यहाँ पे एक किस्म का अटैक कर दिया गया। अब ये जनता जो है वो चाहती है यहाँ के सरकार से इंसाफ चाहती है, इनका जो मुआवजा वो इनको दिया जाए और जहाँ पे फिर से दुकानें खड़ी की जाएँ। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से मैं मयंक शर्मा, धन्यवाद।